वो लिखवा दिया था आपने। ठीक है, ये आपका डॉक्टर आरती वाला सेशन है जो आपको करना है। ऑरा कलर को देखना, नवग्रह उनको देखना, डायरेक्शन उनको देखना, डाइटीज उनको देखना। अब आपको जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो ये है कि जब आप किसी चीज को स्कैन करते हैं तो स्कैन में आपको पूरी आकृति दिखनी चाहिए। आकृति मतलब उस व्यक्ति की या आकृति अपने किसी डायटी की? नहीं, डाइटी अभी वैसे नहीं, जैसे मैंने आपको प्राण रई में मैंने आपको ब्रह्मा विष्णु शिव और वो सारी चीजें दिखाई थी, उसका आपका अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि आपको वो डायटीज वहां पे महसूस हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो अच्छा ठीक है। किसी भी चीज का केवल कलर बताने से पार्ट नहीं होगा उसको। ये यहाँ तक हम अभी नहीं पहुंचे थे, हम ये बिलीफ सिस्टम ऑफ कोड पे रुक गए थे। आपने ये कहा था कि बिल्कुल तो वो आगे आएगा ना, आगे आएगा, तो ठीक है, ये इसके बाद ठीक आएगा अभी वो। है, फिर तो सही है। मैंने यही स्लाइड यहाँ को, पर देखिए डूज एंड डोंट्स में, मतलब जैसे प्रैक्टिकल में हमने लिख रखा है ऑरा के वो बीज मंत्र लिखे हैं और उसकी ऑरा को महसूस करें। तो जैसे आप श्रीम लिख रहे हैं तो श्रीम को जब आप स्कैन करें आंख बंद करके तो आपको श्रीम में कुछ दिखना चाहिए। अच्छा ठीक है। आपने अपने अंदर डाला, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बड़ा इनिशियल सा फेज हो जाता है। जब ठीक आप है, अच्छा इसको डेवलप करते हैं तब आपको उसमें एक आकृति पता चलती है, क्योंकि ये प्राण स्वरूप है, इसके अंदर एक जीवित आकृति है और वो जीवित आकृति अब जब आप जो नए वाले तरीके से श्रीम लिख रहे हैं उसमें बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक ओके। है ना, तो अभी ये जो मेडिटेशन है, श्रीम श्रीम मेडिटेशन, सी बीच मेडिटेशन, गर्भनी मेडिटेशन, चांटिंग, बीज मंत्रा, ये आपको करनी चाहिए। ये तो मैंने YouTube पे है ही ना मेरे, गूगल वो करेंगे सर्च करेंगे तो सारी निकल आएंगे, नहीं तो मैं भी छांट कर भेज दूंगा आपको। अच्छा ये मेडिटेशन तो आपको रोज रात को करनी चाहिए सोने सोने से पहले, मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्राण जो है वो 9 प्राण होते हैं, 9 प्राण मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं उसमें कि जो ये प्राणों के नाम लिखे हुए हैं ये काम के नाम नहीं है। जो मेन प्राण है वो एक सबसे पहले मत्स्य, फिर कूर्म, फिर वारा, फिर वो हयग्रीव, एक वो लिखवाया था ना जब 9 प्राण की स्थिति लिखवाई थी आपको, हाँ उन्हीं 9 प्राण को मानिए और उन्हीं के अनुसार जो है प्राण कौन सा कैसे चल रहा है उसको उससे मैप करके देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार का मतलब क्या हो गया, जब आप पैदा होते हैं और आपकी कॉर्ड कट होती है, कॉर्ड कट होने से पहले आप मछली की तरह जल में तैर रहे होते हैं, कॉर्ड कट होने के बाद वो मछली का अवतार खत्म होता है, आप गर्भ से बाहर आते हैं, तो अंदर और बाहर जल में और पृथ्वी में दोनों प्रकार से आप मूव कर रहे हैं, तो वो कूर्म की स्थिति हो गई। आप पहले जल में रह रहे थे और फिर बाहर आ गए, तो प्राण ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया, ये दूसरी स्थिति हो गई। फिर तीसरी स्थिति हो गई जब आप इसमें क्या कहते हैं गर्भ से जब बाहर निकलते हैं तो गर्भ की मलविष्ठा से ऊपर उठते हुए आप आ रहे हैं, वो वारा अवतार की स्थिति हो गई कि गर्भ में आप बाहर कैसे आ पा रहे हैं सुगमता पूर्वक, तो जल से बाहर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, तो ये वारा अवतार जैसे प्राण की स्थिति हो गई। फिर उसके बाद आपका स्वाभाविक रूप से चलते फिरते दौड़ते श्वास लेना वो हयग्रीव अवतार की स्थिति हो गई। फिर आपके नखून और वो जो है वो सिंह का मुंह, सिंह बेसिकली हमारे यहाँ मर्यादा के लिए यूज करा गया है, तो नरसिंह अवतार बेसिकली मर्यादाओं का अतिक्रमण है कि जब कभी कोई भी स्थिति में कोई मर्यादा का अतिक्रमण करेगा तो कोई शक्ति उसका नाश कर देगी, तो नरसिंह अवतार उस प्रकार से था।
जो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनको नारसिंगी देवी की सिद्धि थी, इसलिए उन्होंने जो है जो संकल्प दिया सिख धर्म को वो क्या दिया, हर नर सिंह, क्या दिया संकल्प, हर नरसिंह। हर नर सिंह, इसलिए सिख धर्म में हर व्यक्ति के नाम के आगे सिंह लिखा जाता है। अब ये तो हमारा एक वो कह लीजिए कि बदकिस्मती है कि अंग्रेजों ने इस तरीके से पूरी वो व्यू रचना करी कि जो हमारे यहाँ क्रिएटेड फौज थी, अखाड़े थे, उसको उन्होंने बनिए की दुकान बना दिया। वो सरदार जो है आज की तारीख में किसी बनिए से कम थोड़ी है, बनिए की तरह ही सोचता है, वही काम करने के तरीके हैं। तो खत्म हो गया सिख धर्म देखते देखते, आपको नाम लिखने वाला भी नहीं मिलेगा थोड़े दिनों में, आप देखिएगा सबकी दाढ़ियां कटनी शुरू हो गई, सारी कुछ है, थोड़े बहुत लोग बचे हुए हैं जो दिखाने के नाम पर हैं। जैसे सिख धर्म खत्म, तो ये आपका जो भी जो गोल्डन टेम्पल है, इससे जो करोड़ों अरबों रुपए का चंदा आ रहा है, सिर्फ इस चंदे की वजह से ही बची हुई है कहानी। बट ये चंदा कर क्या रहा है, कनाडा में भारत विरोधी गतिविधि कर रहा है बस। तो किसी ने हमारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, तो हमें अपने सिस्टम को देखना है, तो ये वाला एस्पेक्ट है। तो प्राणों को समझने की प्रक्रिया जो है वो उस तरह से चल रही है। हाँ, अब ये वाले पार्ट पे आते हैं। नर्सिंग के बाद नरसिंह के बाद में मतलब सारे देखोगे ना, नरसिंह के बाद जो है वामन है, वामन। हाँ वामन जो है वो तीनों लोकों को एक करने की प्रक्रिया है। भूभुवस्व जो है वो तीन लोक है, पर भूभुवस्व जो है वो तीनों के तीनों ये नहीं है, मतलब उसमें लोक के तौर पे डिस्क्रिप्शन है, बट जो लोक हैं वो 14 हैं। तो जो 14 लोक को एक कर रहा है वो हमारी प्रक्रिया बैठती है। हाँ, उसके बाद फिर वो अवतार वाली वो चालू हो जाएगी। मतलब फिर वो उसी तरह से कि भाई वामन अवतार मतलब पहला संपूर्ण पुरुष स्वरूप है, और वो पुरुष स्वरूप जो है वो ही बाद में राम होता है, वो ही आपका बाद में कृष्ण होता है, एक धन्वंतरी और है बीच में जो विष्णु के अवतार स्वरूप आते हैं, तो वो प्रक्रिया है। तो ये प्राण की स्थिति है, जब आप इन स्थितियों को ऑब्जर्व करेंगे आयुर्वेद के अनुसार, उस प्राण को मैप करेंगे कि भाई ये प्राण अपान है, प्राण है, व्यान है, समान है, उदान है, ऐसे नाग कूर्म और ये करके जो है, इन नौ में जब तक हम भटकते रहेंगे हम मूल प्राण से कनेक्ट नहीं होंगे। मूल प्राण बिल्कुल इसके जैसा है जैसे हमारे ये हैं नौ स्वरूप। तो इस कारण से मैं कह सकता हूं कि जब आप उस मैपिंग को देखेंगे तो होगा। हमारी आज की स्लाइड जो प्लान थी वो तो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वाली थी है, हाँ वो एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर वाली थी जिसमें जिसके लिए मैंने आपने। आपको मैसेज भी भेजा था, हाँ जिसके लिए मैंने आपको मैसेज भी भेजा था कि ये मैंने वो पूरा का पूरा पार्ट लिख रखा है और उसके डिटेल में बीज मंत्र बना रखे हैं। और आप वो विष्णु जी वाले उसकी बात कर रहे थे, तो हाँ विष्णु जी उसमें वाली हमारी क्या स्लाइड तो उसमें काफी उसमें बाद में है, अभी पहले नहीं है। उसमें क्या हुआ कि ये वाले स्लाइड पे आके हम इसमें जो मैंने जो ये अरेंज किया है ना, शायद या तो वो आगे पीछे हो गया है या जिस जिस हाँ, तरीके से वो आपने मुझे क्योंकि भेजा। मैं तो पीपीटी खोल रखी है, मैं पीपीटी के ही ऑर्डर से चल रहा हूं। हाँ तो वो कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या देखिए हुआ मैं कि ना आपको एक पार्ट समझा देता हूं पहले आज के लिए, हाँ जिसको आप ध्यान कर लीजिए। ये वाली स्लाइड दिख रही है ना आपको, जो मेरे इसमें आ रही है। हाँ अब इसमें क्या है, जो पार्ट हमें समझना है और चिकित्सा में जिसका बहुत महत्व है, वो क्या है, जब हम श्वास लेते हैं नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक, तो हमारी श्वास वायु तत्व से श्वास प्रश्वास मिलकर संपूर्ण श्वास प्राण को उत्पन्न करती है। जो
हमारा वायु तत्व है, वायु तत्व प्राण को उत्पन्न करता है, वो संपूर्ण श्वास प्रश्वास है। अगर श्वास प्रश्वास अधूरी रहती है तो वो वात बनती है। अब आप समझते हैं वात रोग क्या है, उसका क्या रोल प्ले है, वो इससे निकलता है। जी तो संपूर्ण श्वास प्रश्वास प्राण उत्पन्न करती है, अधूरा श्वास प्रश्वास वात उत्पन्न करता है। वात से तमाम प्रकार के दर्द शुरू हो जाते हैं शरीर के अंदर। ठीक है जी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, जब ये संपूर्ण प्राण उत्पन्न होता है तो वो शरीर के भीतर अग्नि को जागृत करता है। वायु के बाद अग्नि तत्व आता है। जी जब अग्नि जागृत होती है तो वो तेज के रूप में परिवर्तित होती है। तेज मतलब ऑरा। जब वो अग्नि पूर्ण तेज स्वरूप पे नहीं होती तो पित्त की उत्पत्ति होती है। जब अग्नि तेज पूर्ण होती है तो उसके बाद जल तत्व में ओज उत्पन्न होता है। अगर ओज संपूर्ण नहीं है तो कफ उत्पन्न होगा। ओज तेज स्वरूप नहीं है तो अगर ओज जो है वो संपूर्ण नहीं है ओज अगर संपूर्ण नहीं है तो वो कफ को उत्पन्न करेगा। अब प्राण की जो साइकिल जो है वो प्राण तेज ओज, जब वो संपूर्ण है, स्टार्टिंग पॉइंट का है श्वास प्रश्वास, एक संपूर्ण श्वास जो नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक जाती है, वो संपूर्ण श्वास प्राण उत्पन्न करती है, प्राण से तेज उत्पन्न होता है, तेज से ओज होता है, ये साइकिल हो गई। हाँ जब ये साइकिल कंप्लीट नहीं होती, इनकंप्लीट होती है, तो वात पित्त कफ उत्पन्न होता है। वात पित्त कफ से सारे रोग होते हैं। अब प्राण तेज और ओज जो है ये सम्मिलित रूप से मिलकर इस शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करता है। इस इम्यूनिटी की अधिष्ठात्री बगला मुखी है, जिसका एक्चुअल नाम वल्गा मुखी है, वल्गा मुक्षी। हाँ ठीक है जी, इसको आगे कल करेंगे। वगला मुखी है वल्गा। वल्गा मुखी, हाँ, और वल्गा भी कहां से आया वो भी बताऊंगा। कल कल, हाँ, नहीं, मैं अभी थोड़ा कोशिश ये कर रहा हूं कि ये जो क्या नाम है, जो वो मेरिडियन वाला पोर्शन भी पूरा हो जाए। जयराम जी जो आए ना, हाँ उनको मैं थोड़ा सा कोर्स इस तरह से करा रहा हूं कि कोशिश करके ना आप दोनों जनों का क्लास एक साथ हो जाए।